हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम नितिश और ये मेरा पहला व्लॉग है। और आज के इस व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ देहरा सिटी सेंटर और वहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप का इंट्रो देने वाला हूँ। और इस पहले व्लॉग में मैं आपको थोड़ा बहुत टूर भी देने वाला हूँ, दुबई का टूर। और मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहना। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग के कुछ एरियाज दिए हुए हैं। और ये अगर आपके जो फ्लैट है उसमें अगर पार्किंग एरिया नहीं है, फिर आपके कोई गेस्ट विजिट करता है तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी। और इसका कुछ चार्जेस भी है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसकी जो पार्किंग फिट है वो आप कैसे ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप वन आवर के लिए पार्किंग करते हैं तो आपका 2 dirhams लगता है, और 2 hour पार्किंग्स के लिए 5 dirhams, 3 hours के लिए 8 dirhams और 4 hour पार्किंग के लिए 11 dirhams। सो बेसिकली अभी हम जा रहे हैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में, जो है अल फहीदी, और वो ग्रीन लाइन पे है। सो अगर आप मुंबई से हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा कि वहाँ पे वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन है। और अगर आप दुबई में हैं तो आपके पास यहाँ पे आपको 2 lines मिलेगी, रेड लाइन और ग्रीन लाइन। तो अभी हम ग्रीन लाइन पे जा रहे हैं और वो स्टेशन है अल फहीदी, और वहाँ से हम जाएंगे DCC देहरा सिटी सेंटर। अभी हम पहुंच चुके हैं देहरा सिटी सेंटर और यहाँ पे हम देखेंगे अपना ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप। तो आइए चलते हैं स्टोर पे और देखते हैं यहाँ पे स्टोर कहाँ पे है सैमसंग का। तो फाइनली सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपना ब्रांड न्यू 2020 गैलेक्सी Z फ्लिप। और इससे पहले भी सैमसंग ने फोल्डिंग फ़ोन्स रिवील किए थे अपने, बट वो फोल्डिंग फ़ोन जो थे वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप होके ओपन होते थे, बट इस बार सैमसंग ने रिवील किया अपना वर्टिकली फोल्डेबल फ़ोन। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑलरेडी मोटो रेजर में आप देख चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखा और अगर आपको मोटो रेजर के बारे में भी जानना है तो ऊपर आप कार्ड्स में मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप के की स्पेक्स की, तो इसमें आपको मिलता है 6.7 inch एमोलेड डिस्प्ले विद 21:9:9 एस्पेक्ट रेशियो। वही फोन को फोल्ड करने के बाद आपको एक टाइनी 1 inch 300x112 डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिसमें आप टाइम देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस का प्रीव्यू देख सकते हैं। और इधर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं, आपको फुल नोटिफिकेशन आप रीड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक ये पता लग जाएगा कि आपके कितने नोटिफिकेशन आए हैं या फिर इतने अनरीड मैसेज हैं, तो आप वो उधर चेक कर सकते हैं। और अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं फ़ोन को फोल्ड करने के बाद, तो वो जो डिस्प्ले है उसमें आप एक आपको मिनी आउटपुट दिखेगा कैमरा का। अब बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर और चिपसेट की, तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 855+ प्रोसेसर, 8 GB रैम, 256 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। वहीं बैटरी लाइफ की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलती है 3300 mAh की बैटरी विद क्विक चार्ज। अब बात करें इसकी कैमरा की, तो फ्रंट में आपको मिलता है 10 MP कैमरा विद f/2.4 अपर्चर। वहीं रियर में आपको मिलता है 12 MP वाइड, और जो दूसरा कैमरा है वो है 12 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो ओवरऑल कंपेयर करें इसे मोटो रेजर से तो जेड फ्लिप काफ़ी अच्छा है मोटो रेजर से। तो ओवरऑल ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है और फोल्डिंग फ़ोन में ये एक नया इन्वेंशन है सैमसंग की तरफ से। और बात करें इसको अगर आप वन हैंड यूज़ करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि
वन हैंड से आपको इसको ओपन करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ अगर थोड़ी स्मूथ होती तो आई गेस ये फ़ोन और भी ज़्यादा इजी कंफर्टेबल होता यूज़ करने में। बाकी इसको अगर हटा दे तो ओवरऑल ये एक बेस्ट फ़ोन है और मिनी पॉकेट साइज़ भी है ये। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये मेरा पहला व्लॉग कैसा लगा और मेरा वीडियो ये कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे मैं टेक वीडियोस भी डालता रहता हूँ, और आप अगर चाहे तो आप चेक कर सकते हैं मेरे टेक वीडियोस है। और ये मेरा पहला व्लॉग है, और आपको सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।